आध्यात्म जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरु। गुरु को ब्रह्म का दर्जा दिया गया है। आषाढ़ की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं और व्यास पूर्णिमा कहते हैं। आज के दिन जो भी शिष्य अपनी गुरु को हृदय से उनकी पूजा अर्चना करेगा, उसकी पूरी मनोकामना पूरी होगी, घर में सुख रहेगा, वैभव होगा, शांति मिलेगी, घर की एकता बनी रहेगी। इसीलिए आप देखिए गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य लोग अपने गुरु के पास जाते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कोरोना महामारी के कारण परिस्थिति ऐसी बनी है कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना हो, उसका सभी मठ मंदिर पालन कर रहे हैं। अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि भरसक प्रयास करिए कि आप जहाँ हैं वहीं पूजा अर्चना करिए। अगर आना है तो सोशल जो डिस्टेंसिंग का पालन करिए, 2 गज की दूरी बनाइए, मास्क लगा के रहिए, साथ में अपने अपने परिवार को लेके आते हैं तो उनसे भी कहिए कि जब गुरु को दर्शन करने जाएं तो दूरी बनाए रखें। ये आज भंडारे का कार्यक्रम लगभग हर मठों में होता है, जहाँ 10-20-50 हज़ार लोग थे वहाँ 1000 की संख्या लगभग रहेगी। तो बाघम्बरी गद्दी में भी यही व्यवस्था दी गई है, सारे भक्तों को सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क लगा के आएंगे, गुरु का पूजन करेंगे, वंदन करेंगे, आशीर्वाद करेंगे।